सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बरेली। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कलेक्ट्रेट स्थित निर्वाचन कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण। एफएसटी तथा एसएसटी टीमों की लोकेशन की जानकारी रखने के दिए निर्देश। बरेली 22 मार्च। जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने आज लोकसभा निर्वाचन 2024 के लोकसभा निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराए जाने की दृष्टि से कलेक्ट्रेट में बनाए गए कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय जिलाधिकारी ने आयोग को सूचनाओं का सस्मय प्रेषण करने, आयोग से प्राप्त दिशा निर्देशों का समय से अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के समय एफएसटी तथा एसएसटी टीमों की लोकेशन की जानकारी रखने, उनकी गाड़ियों में जीपीएस के माध्यम से मॉनिटरिंग करने, सी विजिल ऐप पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समयावधि में करवाने, ईएसएमएस इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से जब्तीकरण की कार्यवाही करवाने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए गए कि वोटरों की जो भी समस्या हो उसके लिए हेल्पलाइन वेबसाइट तथा संबंधित बीएलओ से संपर्क किया जा सकता है। बीएलओ की सूची कंट्रोल रूम में भी चस्पा करवाई जाए। निरीक्षण के समय निर्देश दिए कि जो भी राजनैतिक पार्टी से संबंधित विज्ञापनों को काटकर एमसीएमसी मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति में अवश्य रखा जाए। निरीक्षण के समय अपर जिलाधिकारी प्रशासन दिनेश, अपर जिलाधिकारी नगर सौरभ दुबे, नोडल अधिकारी कंट्रोल रूम सहित समस्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। सर, चुनाव को लेकर उपद्रवी अगर सामने आते हैं, किसी तरीके की चुनाव में बाधा डालते हैं, तो उन पे क्या कार्रवाई होगी, किस तरीके की तैयारी है? यह 16 मार्च को माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इलेक्शन अनाउंसमेंट के बाद हमारे द्वारा समस्त जो राजनीतिक दल हैं उनके प्रतिनिधियों के साथ वार्ता कर ली गई है और उन्हें माननीय आयोग के आदर्श आचार संहिता संबंधी जो भी निर्देश हैं उनसे अवगत करवा दिया गया है और उनसे अपील की गई है कि समस्त लोगों को जो भी कार्यकर्ता हैं उन्हें कन्वे कर दें कि भारत निर्वाचन आयोग के बहुत स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी तरीके से आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाए और जो भी उसका उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ चाहे RPF 1951 हो या IPC हो या अन्य सुसंगत धाराओं में सख्त कार्रवाई की जाए। आज हम लोगों ने समस्त जितने भी अधिकारीगण हैं उनके साथ भी वार्ता की है और माननीय आयोग के जो भी निर्देश हैं, समस्त निर्देश, चाहे सरकारी बिल्डिंग हो, वेबसाइट हो, सरकारी कर्मी हो, डेवलपमेंटल वर्क हो, सोशल मीडिया हो या अन्य जो भी चीज़ें हैं, उन्हें बहुत डिटेल में बता दिया गया है और सब लोग एक एक सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं कि माननीय आयोग के जो भी निर्देश हैं उनका पालन किया गया है, आगे भी किया जाएगा। मोटा मोटी यही है कि जिला प्रशासन चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से करवाने के लिए कटिबद्ध है माननीय आयोग के निर्देशन में, और जो कोई जानबूझकर चुनाव को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। असर, अभी आपका ग्राउंड लेवल पे विजिट चल रहा था, जिस तरह चुनाव को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और चुनाव को अधिकारी कर्मचारी होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? सर देखिए, जनपद बरेली में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं और मैं SSP साहब, संबंधित ADM, संबंधित एडिशनल SP समस्त विधानसभा क्षेत्र में एक पूर्व प्लानिंग के अनुसार जितने भी कुछ वल्नरेबल बूथ, कुछ क्रिटिकल बूथ, कुछ SST के नाका, कुछ जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर नाका या इंटर स्टेट बॉर्डर के नाका हैं उनको, जहां कम पोलिंग परसेंटेज रहा है, जहां पोलिंग के दृष्टिगत, इलेक्शन के दृष्टिगत कहीं डिस्टर्ब होने की संभावना है, चुनाव डिस्टर्ब होने की संभावना है, या जहां मतदान का विरोध है, जहां सिक्योरिटी फोर्स ठहरेगा, स्वीप संबंधी एक्टिविटी, इन समस्त का हम लोग एक एक करके भ्रमण कर रहे हैं। अभी तक बहेरी और मीरगंज पूरा हो गया है, कल फरीदपुर का भ्रमण है और भ्रमण के दौरान जो भी कमियां पाई जाती हैं उनमें निर्देश दिए जाते हैं ससमय पूरा करने के लिए, और कहीं लापरवाही पाई जाती है तो यस, माननीय आयोग के निर्देशन में उनके खिलाफ कुछ केसेज में कार्रवाई भी की गई है।
क्षेत्र भ्रमण के बाद हम लोग तहसील स्तर पे मीटिंग करते हैं, जो भी तहसील और ब्लॉक स्तर के विभिन्न विभाग के अधिकारीगण हैं जिनका चुनाव से संबंधित रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, चाहे वो बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज एट पोलिंग स्टेशन हो, FSC SST में ड्यूटी हो, जो हमारे आदर्श आचार संहिता हैं उनके कंप्लायंस से संबंधित ड्यूटी हो, या सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट हो, या अन्य तमाम तरह के अधिकारी हैं जो EVM में प्रशिक्षण में लगे हुए हैं, उन सबको निर्देश दिए जाते हैं कि माननीय आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि चुनाव को किसी भी हाल में शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से करवाना है। उसमें वे खुद और नीचे के जो भी कर्मी हैं उनको निर्देशित कर दें, किसी भी हाल में हमारी ये प्राथमिकता है कि लोगों को सिखाकर, पहले से अवेयरनेस कराकर, कर्मियों को सिखाकर पहले से अवेयरनेस कराकर चुनाव सही से करवाना है, और जो कोई जानबूझकर लापरवाही करेंगे उन्हें फिर बख्शा नहीं जाएगा। थैंक यू।